धीरे दिन से हम तो बहुत ये 8 साल का गाड़ी हो गया मेरा, 8 साल से चला रहे। पहले इधर ही चलाते थे बोरिंग रोड राजापुर गांधी मैदान, लेकिन अब वहाँ पे उधर चला रहे। साई मंदिर में भी हम चलाते थे, साई मंदिर से राजीव नगर उधर से सिर्फ खाने के लिए खाने के लिए सिर्फ यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए आए हैं, यहाँ से ले जाएंगे। मेरा लड़का का भी डिमांड रहता है, पापा लेके आइएगा। यही का, हाँ यही का, देखिए लेके जा रहे हैं। बहुत लोग को ये पसंद होता है और बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन हल्का से दबाने के बाद ये निकल गया, ये देख रहे हैं निकल गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर आपको लेकर आ चुके हैं कहाँ, अभी हमें ये पटना के बोरिंग रोड में, और यहाँ पे खाने पीने का एक मार्केट लगता है जिसमें हर तरीके का खाना मिलता है, अलग अलग चीज खाने को मिलता है, खाने का मार्केट लगता है। उसी बीच में एक कार्ट लगता है क्या, मटन और चिकन का, काफ़ी टेस्टी होता है यहाँ के लोगों का कहना है, और काफ़ी लोग यहाँ से टेस्ट करके जा भी चुके हैं। तो चलिए हम भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह सुबह काट लगना स्टार्ट हो गया, काट जो है सजना स्टार्ट हो गया है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे काट लगा हुआ है सभी पे सिर्फ खाने पीने का सामान मिलता है। चलिए इधर ये चूल्हा सेट हो चुका है, इसी चूल्हा के ऊपर मटन अभी बनाया जाएगा। वैसे इधर देखिए प्याज कट के रखा हुआ है, और इधर चिकन बनना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे चिकन बन जाता है, उसके बाद यहाँ पे मटन को तैयार किया जाता है। तो चलिए ये मटन का कढ़ाई सेट हो चुका है, कैसे में मटन बनाया जाएगा जी भैया। चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मटन को तैयार किया जा रहा है। तो चलिए ये कढ़ाई के अंदर तेल चला गया है, कितना तेल इसमें डालिएगा अभी? 5 से 6 ग्राम। कितना मटन बन रहा है अभी? 5 kg। ये गया इसमें फ़ौरन, जीरा मिर्चा जीरा पत्ता का फ़ौरन, ये फ़ौरन में डालते हैं जी। खुद घरेलू तरीके से बनाते हैं मटन? ये अपना बिहारी तरीका है। बिहारी तरीका, थोड़ा सा ये प्याज डाल रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा प्याज पहले डाल देते हैं जी, फ़ौरन जलेगा ना। और इधर देखिए चिकन काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। आप चिकन का रेसिपी देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन आपको दिखाएंगे यहाँ पे चिकन किस तरीके से बनाया जाता है। इसे कितना दिन से आप यहाँ पे खिला रहे हैं मटन? 5 साल हो गए। 5 साल तो कैसे स्टार्ट किए थे? स्टार्ट बस इसी से, मटन चिकन दोनों से। दोनों से। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भी एक बिजनेस है अपना, होटल ही है जो पापा लोग चलाते हैं। अभी भी होटल है? फिर यहाँ पे खोल दिए काट के ऊपर, वो भी काठे के ऊपर है। हाँ, तो दो दो आपका होटल चल रहा है, वो भी मटन चिकन का? हाँ, वहाँ सब चीज़ मिलेगा, नॉन वेज एंड शाकाहारी। कहाँ पे? ये राजापुर के पास है। वहाँ भी है और यहाँ भी है, दो दो ब्रांड। तो चलिए अब प्याज जाना इसमें स्टार्ट हो गया है, कितना प्याज इसमें डालिएगा अभी? 4 kg है। 4 kg? अच्छा, 5 kg मटन में 4 kg प्याज, क्योंकि स्टूडेंट लोग यहाँ ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। स्टूडेंट लोग यहाँ पे ज़्यादा खाने के लिए आते हैं। तो वैसे यहाँ पे टोटल आइटम क्या क्या होता है खाने के लिए? चिकन, मटन, रोटी, चावल, लिट्टी। तो चलिए ये मटन आ चुका है, चलिए ये साफ करके ही डालते हैं जी। अच्छा, चिकन को भी साफ करके डालते हैं या फिर मटन को? दोनों। तो ये आ गया चुस्ता, क्या पीस चुस्ता है इसमें? चुस्ता एक है, एक पीस। तो एक पूरा खसी है? एक पूरा खसी। तो ये खसी तो 7 से 8 kg का होगा जी। हाँ, तो चलिए ये खसी जाना है इसमें स्टार्ट हो गया, सबसे पहले गया चुस्ता। उसे जी इसका 45 रुपया चार्ज है, 45 रुपया में एक पीस। और रोटी चावल के साथ में? नहीं, वो अलग। रोटी चावल के साथ खाइएगा, 2 पीस और 4 रोटी 110 है। चिकन चावल 70 है। चिकन चावल 70 रुपया, उसमें 2 पीस होता है, एक पीस? दो पीस चिकन। तो चलिए सारा मटन को जो है कढ़ाई में डाल दिया गया है। वैसे इधर देखिए ये दिल्ली हो गया है और नली वाला पीस, वैसे मटन का जो है सारा पीस इसमें होता है, जैसे कि नली सीना चाप है। और ये आ गया लहसुन आदि, धनिया, लहसुन आदि, जीरा गुल्ली का पेस्ट है। अच्छा, ये पहले से बना के रखे हुए? बनाकर, जैसे कि अभी मटन बना रहे हैं फिर बनाते हैं दोबारा, फिर सामने। तो ये आ गया नमक, और अब जा रहा है इसमें नमक। इसे मटन डालने के बाद इसमें नमक डाल देते हैं। नमक इसलिए पड़ता है मटन थोड़ा जल्दी होगा, गल जाएगा। गलेगा जो है
तो इससे आप क्या करते हैं, प्याज डालते हैं, तुरंत बाद इसमें मटन डाल देते हैं। मटन दोनों एक साथ ही गल जाता है, दोनों एक साथ बढ़िया से गल जाता है। इसे कितना देर में आपका मटन ये बन के रेडी हो जाता है? ये एक घंटा लगता है। ये एक घंटा में रेडी? एक घंटा में। ये क्या है? मिर्च पाउडर। मिर्च, ये हल्दी पाउडर है, और ये आ गया धनिया पाउडर। बस तीन मसाला इसमें डालते हैं पहले। अच्छा, जब इसमें आप मिर्च का पाउडर डाले तो मेरे आँख में चला गया था थोड़ा सा, इसकी वजह से आँख लग रहा है। कई जगह क्या होता है, हवा तेज रहने के कारण आँख में चला जाता है। कई बार ये चीज़ हो चुका है, कई जगह तेल उड़ के पड़ जाता है। अच्छा, इसमें पानी भी डालते हैं? थोड़ा सा पानी दे देंगे जो इसके साथ ही गलेगा। तो चलिए इसको अब ढक दिए हैं क्या? अच्छे पानी डाल देते हैं नीचे, वो लगेगा? लगेगा। इधर देखिए मटन इधर बन रहा है, इधर चिकन लगभग बन के तैयार हो चुका है, और उधर लिट्टी बनना स्टार्ट हो चुका है, और इधर रोटी भी बनेगा, चावल भी बन चुका है। इसे लोग जो यहाँ पे कुछ खाने के लिए आने लगे हैं। मसाला तो और कुछ जाएगा इसमें भी? हाँ, बीच में मीट मसाला, लास्ट में गरम मसाला। उसे वहाँ वाला ब्रांड जो स्टार्ट हुआ था, उस ब्रांड को कौन स्टार्ट किए थे? हम लोग किए, हम और भैया किए। आप दोनों मिल के किए थे? वो 5 साल पहले किए थे, उससे पहले किए थे? नहीं, पापा लोग को पहले से खाने का होटल है। हाँ, शुरू से लगभग उनका तो लगभग यहाँ पटना में 60 साल हो गए। 60 साल? 60 साल। अच्छा, 60 साल पुराना आपका ये बिजनेस है। हाँ, लेकिन तो उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं? उसी को आगे। तो यहाँ पे खिलाना कब स्टार्ट करते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक? यहाँ हम वही 10:30 से शुरू होता है, रात में 10 बजे। ऐसे 10:30 बजे सारा चीज़ बन के रेडी हो जाता है? नहीं, मटन के लिए 12 बजे, लगभग 11:30। हाँ, 12 बजे। 12 बजे तक इंतजार करना होगा मटन के लिए? चिकन तो तैयार हो गया। तैयार हो गया है, वैसे 10:30 बज रहे हैं। अच्छा, लिट्टी के साथ भी यहाँ पे खिलाते हैं? हाँ, लिट्टी और चिकन। लिट्टी चिकन ही आ गया, चिकन और लिट्टी, तो इसके साथ खाना लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। 2 प्लेट लिट्टी। लेकिन कुछ तो था उसमें, 1 प्लेट लेते ना। चिकन का डिमांड ज़्यादा होता है यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ चिकन ज़्यादा चलता है। जैसे ही बना, हर कोई देख रहे चिकन 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 खा रहे हैं। वैसे मटन बना नहीं, आप पहुँच गए खाने के लिए, कैसा होता है? बहुत बढ़िया, यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा होता है। कब से आते हैं खाने के लिए? हम आते हैं बराबर यहीं पर, हम ही रिक्शा चलाते हैं। काफ़ी दबंग लग रहे हैं आप। नहीं, दबंग क्या, मेरा यही पर्सनालिटी है तो। अच्छा, हाँ, थोड़ा नली वाला पीस दे दीजिएगा, ग्रेवी भी थोड़ा बढ़िया से ठीक है डाल के, है ना? तो स्वादी के लिए तो हम लोग इतना दूर से आते हैं, बताइए। राजीव नगर से आ रहे हैं? राजीव नगर से आ रहे हैं यहाँ लेने के लिए। राजीव नगर में हम चलाते हैं नाला पे, ई नाला। हाँ, राजीव नगर नाला से आसियाना नाला, वहीं वहाँ से लेने आ रहे हैं आपके पास। देखिए, आप ही लोग का मदद से, आप ही लोग जो चला रहे हैं, सब नया आ गया पटना में, पहले था कहाँ, पहले तो लोग देना भी नहीं चाहते थे, है कि नहीं? अब नया आ गया, आप लोग का मदद से ही इतना आ रहा है, अब हम लोग ये सब स्वाद ले पा रहे हैं। आज का नहीं है, बहुत पुराना है, पहले ऐसा ऐसी लगता था, अभी ऐसा ऐसी लग रहा है। कितना दिन से आप आते हैं यहाँ पे? ढेर दिन से, हम तो बहुत, ये 8 साल का गाड़ी हो गया मेरा, 8 साल से चला रहे। पहले इधर ही चलाते थे, बोरिंग रोड, राजापुर, गांधी मैदान, लेकिन अब वहाँ पे उधर चला रहे हैं। साई मंदिर में भी हम चलाते थे। हाँ, साई मंदिर से राजीव नगर, उधर से सिर्फ खाने के लिए इधर आ गए? खाने के लिए सिर्फ यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए आए हैं, यहाँ से ले जाएंगे। मेरा लड़का का भी डिमांड रहता है, पापा लेके आइएगा। यही का? हाँ, यही का, देखिए लेके जा रहे हैं। मटन लगभग आधा पक गया है? आधा पक गया। ये डाल रहे हैं? ये मटन मसाला। इधर अभी खाए हैं, कैसा लगा खाना? यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। हम आज से नहीं, यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल से यहाँ खा रहे हैं। जब से रह रहे हैं तब से खाने? हाँ, जब से रह रहे हैं तब से यहाँ खा रहे हैं। हम तो आते ही हैं, साथ में दोस्त लोग को भी लेके आते हैं। लेके आए हुए हैं? हाँ, जब भी आते हैं 2-4 10 लेके आते हैं। ये मटन लगभग पक जाता है, उसके बाद चर्बी बाद में पकता है? पहले डालने से ये गल जाएगा? गल जाएगा, तो ये बाद में डाला जाता है, लोग ये लेके खाते हैं ऊपर से। हाँ, कितना टाइम और लगने वाला है इसमें? बस बहुत 10 मिनट और लगेगा। 10 मिनट लगेगा, हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको मटन का कलर जो है कोई खास दिख नहीं रहा है, उसका वजह क्या है कि यहाँ पे ऊपर पीला कलर ये तिरपाल डाला हुआ जिसका कलर इसके ऊपर आ रहा है, इसका कलर ठीक से बन नहीं पा रहा है। शाइनिंग अब आएगा इसका, अब आएगा आँखों से देखने में जैसा लग रहा है ये प्लास्टिक की वजह से, हाँ कैमरा में वैसा नहीं आ रहा है। तो चलिए ये देखिए मटन बन के हो चुका है रेडी, और इसमें जा रहा अब ये गरम मसाला, ये खुद से बनाया हुआ गरम मसाला है। नहीं, अपने से कूटते हैं, अपने से कूटते हैं, मार्केट से खड़ा लाकर अपने से कूटते हैं, इसका खुशबू काफ़ी बढ़िया होता है। चलिए ये प्लेट लग गया है, वैसे यहाँ मटन और चिकन दोनों का, वैसे इसका ग्रेवी देखिए कितना बेहतरीन है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा, ये देखिए काफ़ी हैवी ग्रेवी है, और इसमें ये आ गया लर, बहुत लोगों को ये पसंद होता है और बहुत चाव से खाते हैं, और साथ में ये आ गया मटन का पीसेस, कितना बेहतरीन है। लेकिन हम पहले टेस्ट करेंगे यहाँ का चिकन, वैसे आपको प्रॉपर अगर आप कमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे चिकन बनने का वीडियो आपको दिखा देंगे बाद में, लेकिन इसे यहाँ का कलर जो देखे देखने से रुका नहीं गया, इसलिए हम चिकन भी लगवाए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे चिकन खा रहे हैं। वैसे तो मटन के लिए लोग इंतज़ार कर कर के ले गए हैं और खाए हैं यहाँ पे, जब से हम आए हैं यही सब देख रहे हैं कि कौन कितने देर पहले आते हैं, क्या खाते हैं और कैसे लेके जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें टेस्ट करेंगे क्या चावल, उसके बाद चिकन का ग्रेवी, और चिकन का ग्रेवी देखिए थोड़ा सा पतला है, पानी इसमें डाल दिया गया है, पहले ड्राई ही निकाल दिया गया था, कुछ लोग खाना पसंद करते हैं और 10 मिनट में इसका जो है 2 से 3 kg ड्राई वाला जो निकालते हैं वो ख़त्म हो जाता है। अब इसको हम इसमें लेंगे और टेस्ट करेंगे, और ये आ गया चावल और ग्रेवी, सही है, खाने में एकदम मज़ेदार है, जिसे घर में बना हुआ होता है। थोड़ा सा तीखापन है क्योंकि सही लग रहा है खाने में, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा तीखा कम होना चाहिए, लेकिन मज़ेदार है खाने में, अगर आप एक बार खा लेते हैं तो लग जाएगा। वैसे यहाँ पे हर दिन इसी तरीके का चिकन बनता है तो बढ़िया है, और ये देखिए चिकन का पीस काफ़ी बढ़िया से पका हुआ है, ये आया और ये देख रहे हैं इसे गर्म थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये देखिए टूट रहा है। ये लेंगे चावल ग्रेवी और पीस, जो यहाँ जो चिकन है लगभग 1 घंटा में पकाया गया, बहुत जगह देखते हैं 30 से 35 मिनट बन के रेडी हो जाता है, लेकिन चिकन को यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से पकाया गया है, और देखिए अंदर तक ये पक गया है, देख रहे हैं कई जगह क्या होता है कि आप ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे लाल रहेगा, अंदर ठीक से पका हुआ नहीं रहता है, क्योंकि कई बार खाने का इच्छा नहीं करने लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको हर तरीके से अंदर तक पका हुआ मिल जाएगा, धीमी तव पे पकाया गया है, तो अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, वैसे इसका स्वाद तो बढ़िया है ही, थोड़ा सा हम मटन का ग्रेवी खाएंगे। ये देखिए ये आएगा ग्रेवी, इसके साथ चावल लेंगे, बढ़िया वाला स्वाद है या नहीं इसको लेने के बाद पता चलेगा क्या। ये आया और ये गया, फिर पटना में इस तरीके का स्वाद हमको नहीं मिलता है, पटना से बाहर हर जगह मिल जाता है, जैसे कि समस्तीपुरी जाते हैं, मुंगेर जाते हैं, लेकिन पहली बार थोड़ा हार्ड वाला स्वाद यहाँ पे हमको खाने को मिल रहा है, बेहतरीन वाला, चर्बी वाला नहीं, चूसा वाला नहीं, ये एकदम झालदार स्टूडेंट वाला चिकन, मतलब स्टूडेंट लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे और खाएंगे तो। अब लेंगे पीस, ये देखिए पीस कौन सा देख रहे हैं, देखिए पका हुआ है, गर्म है, जिसकी वजह से हम इसको ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हल्का से दबाने के बाद ये निकल गया, ये देख रहे हैं निकल गया, एक बार घिसने के बाद पूरा अंदर। अब लेंगे पीस और इसको मटन सही है, छोटा साइज का मटन होगा, अच्छे से पकाया गया है, इसे स्वाद काफ़ी गजब का रहा है, अगर आप पटना से हैं तो यहाँ पे आके खा सकते हैं,
ऐसा स्वाद है, यानी कि हम आपको बता दें कि यहाँ आइए, आपको अच्छा ना लगे तो फिर बाद में गाली पड़े, ऐसा नहीं है, स्वाद बढ़िया है यहाँ का। तो चलिए क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी इस प्लेट को ख़त्म करेंगे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह के साथ और अच्छे खाना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।